इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपे के बारे में। जीपे को जैसे ही हम यहाँ पर खोलते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाता है यहाँ पर अनलॉक, यहाँ पर गूगल पे, और यूज़ पासवर्ड पर हम इसको लाते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी फॉरगेट का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, ये अनलॉक आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट लगाइए या फिर यहाँ पर जो अपना अपना पासवर्ड डालिए। तो बेसिकली ये लक तक क्यों है और कैसे आप इसे फॉरगेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जब भी आपसे फिंगरप्रिंट मांगता है तो और आपने लगाया भी नहीं होता है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन भरा सवाल है कि ये जो है ऑटोमेटिकली लग जाता है। लगता कैसे है कि ये जो है ये आपके जो होम स्क्रीन का जो यहाँ पर लॉक रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये यही वाला लॉक होता है और यही वाला पासवर्ड होता है जो अपने पासवर्ड डाल रखा है। तो उस सिचुएशन में डरिएगा मत, उसको यहाँ से जो है क्लिक करके आप इजीली जो है यहाँ से एक्सेस मार सकते हैं। और फॉरगेट करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चलते हैं सबसे पहले, और सेटिंग्स में जाने के बाद ये आ गई हमारी सेटिंग्स। तो अब यहाँ पर आपको प्राइवेसी, और यहाँ पर आपको जो है अपने जो है आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जाना है, और यहाँ से जो है स्क्रीन लॉक को जैसे आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है अपना मैन पासवर्ड डालेंगे, यहाँ से फॉरगेट करेंगे तो वो इजीली जो है यहाँ से मतलब कि यहाँ से आप डालेंगे अपना पासवर्ड वगैरह और वो आप उसको फिर यहाँ से डिसेबल कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो अब यहाँ पर आप जो है अपना फिंगरप्रिंट हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वहाँ से भी ये हट जाएगा। अब जैसे यहाँ से रिमूव किया हमने और अपने जो है पासवर्ड को हम ऑफ, स्क्रीन लॉक को भी ऑफ कर देंगे, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से ये जो है टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक कर देते हैं। तो अब यहाँ से कोई सा भी पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा गूगल पे। मैं यहाँ पर आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो सेटअप मांग रहा है, यानी कि ये फॉरगेट हो चुका है। तो सेटअप मांगने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपका लॉक वगैरह हो, सिक्योरिटी लॉक वगैरह के लिए, बट फिलहाल यहाँ पर ये फॉरगेट हो चुका है। अब जैसे सिम को सिलेक्ट करके यहाँ पर पासवर्ड लगाते हैं रिक्वायर्ड का, वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, और आपका गूगल जो ये पे है ये खुल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।